भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को संजोए जैन संस्कृति में भी योग की महती व्याख्या की गई है। आचार्य कुंद कुंद ने प्राकृत भाषा में एक सूत्र दिया था, आदा में संवरो जोगो, अर्थात यह आत्मा ही समर है और योग है। प्राग ऐतिहासिक काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के जीवन को देखें तो वहां भी योग प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने जनता को सुखी होने के लिए योग करना सिखाया, तो वहीं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी भगवान ऋषभदेव की योग साधना को आगे बढ़ाते हुए सघन साधना की। उन्हीं का अनुकरण करते हुए आज तक नग्न दिगंबर साधना करके लाखों योगी आचार्य और साधु हो गए, जिन्होंने योग साधना के द्वारा आत्मानुभूति को प्राप्त किया।